रिलैक्सो इंडिया के फुटवेयर सेगमेंट में इकलौती ऐसी मोनोपोली कंपनी जिसने अपने रोबस्ट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर और कंपेटिटिव प्राइसिंग के चलते इस पूरे ही सेगमेंट में अपने लिए एक मोड प्रिपेयर कर लिया है, जिसकी वजह से आज किसी भी बड़ी कंपनी के लिए भी इन्हें बीट करना तो दूर, इनके साथ कम्पीट करना भी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। एंड इसी कम्पेटिटिव मोड के चलते कंपनी ने पास्ट में अपने इन्वेस्टर्स के लिए काफी वेल्थ क्रिएट की है, पर पिछले दो सालों में अगर आप कंपनी की परफॉर्मेंस देखोगे तो नवंबर 2021 में अपना ऑल टाइम हाई 1400 का लगाने के बाद वहां से कंपनी का स्टॉक प्राइस लगातार बीच में फॉल हो रहा है और आज भी अपने ऑल टाइम हाई से कंपनी का स्टॉक प्राइस 37% डाउन है। एंड इवन लेजेंडरी इन्वेस्टर एंड फंड मैनेजर सौरभ मुखर्जी, जो कि पिछले साल तक इस कंपनी में एक बहुत ही बड़े इन्वेस्टर हुआ करते थे और यहां तक कि उन्होंने अपनी कॉन्फ्रेंस तक में इस कंपनी का एग्जांपल दिया था। सो दिस चप्पल राइट, आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट, इट्स माय 103 रुपीस का रिलैक्सो चप्पल। दिस चप्पल इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एनॉर्मस वेल्थ क्रिएशन। उन्होंने भी 2023 के स्टार्टिंग में इस कंपनी के स्टॉक से कंप्लीटली एग्जिट ले लिया है। एंड इन्हीं सारी चीजों के चलते और इस कंपनी के इतने अंडर परफॉर्मेंस के चलते इन्वेस्टर के दिमाग में यही एक क्वेश्चन है कि कंपनी के बिजनेस में ऐसा क्या बुरा चल रहा है जिसकी वजह से हमें कंपनी में ऐसा सिनेरियो देखने को मिल रहा है। सो आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे एंड एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आप खुद ये डिसीजन ले पाओगे कि आपको फर्दर इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या अगर आप इसमें इन्वेस्टेड हो भी तो इसमें क्या आपको इन्वेस्टेड रहना चाहिए या नहीं। अब सबसे पहले कंपनी के इस डाउनफॉल को समझने के लिए हमें यह समझना पड़ेगा कि कंपनी ने इंडिया के फुटवेयर मार्केट में इतनी बड़ी मोनोपोली क्रिएट कैसे करी। तो अर्ली 90s में दुआ फैमिली, जो कि इस कंपनी के मेन प्रमोटर हैं एंड कंपनी में अराउंड 71.27% की होल्डिंग रखते हैं, ये अर्ली 90s में रबर के होलसेल का बिजनेस किया करते थे, जहां पर बड़ी क्वांटिटी में रबर बाय करके ये चप्पल और स्लीपर्स बनाने वाली कंपनी को सेल किया करते थे। बट दुआ फैमिली के जो प्रोमोटर्स हैं उन्होंने इस फुटवेयर इंडस्ट्री में एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया एंड उसको सॉल्व करने के लिए इन्होंने डिसाइड किया कि अब ये खुद ही स्लीपर्स को मैन्युफैक्चर करेंगे। प्रॉब्लम ये थी कि जो भी स्लीपर्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज थी इनके पास लैक ऑफ प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रॉपर सिस्टम के चलते जो इनका ट्रेड रिसीवेबल्स का टाइम था, यानी वो टाइम जब ये एक एंड प्रोडक्ट मार्केट में भेजा करते थे एंड उसके बाद वो सेल होने के बाद जब इनके पास पैसा आया करता था, उस पूरा ही जो टाइम ड्यूरेशन था वो काफी बड़ा हुआ करता था, जिस वजह से जो उनका पैसा था वो काफी दिनों में आता था, जिससे वो आगे जो अपनी मैन्युफैक्चरिंग थी उसको फास्ट नहीं कर पाते थे, जिस वजह से जो भी कंपनीज थी वो एक ही जगह पर स्टक रहा करती थी। पर इन्होंने इस पूरी इंडस्ट्री में आने के बाद एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया, जिसके चलते इनका जो ट्रेड रिसीवेबल्स का टाइम था वो काफी कम हो गया, जो कि गिर के 30 डेज के अराउंड आ गया। अब इससे कंपनी के कैश फ्लोस काफी ज्यादा इंक्रीज हो गए, जिनका यूज कंपनी ने न्यू मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स की ओपनिंग में और इनके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को और ज्यादा फास्ट ग्रो करने में लगाया। अब इससे हुआ ये कि कंपनी की ग्रोथ काफी ज्यादा रैपिड हो गई एंड लेटर ऑन कंपनी ने अदर फुटवेयर सेगमेंट्स लाइक सैंडल और स्पोर्ट्स शूज वगैरह में भी एंट्री करी। एंड इस पूरी रैपिड ग्रोथ का एग्जांपल आज ये है कि आज के टाइम कंपनी के पास पैन इंडिया में 65,000 से भी ज्यादा रिटेल स्टोर्स और अपने आउटलेट्स हैं एंड इसके अलावा पैन इंडिया इनके पास 650 से भी ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। एंड लेट मी टेल यू, ये नंबर्स इनके बिगेस्ट कॉम्पिटिटर बाटा से डबल से भी ज्यादा है। इसके चलते कंपनी ने काफी ज्यादा रैपिडली ग्रोथ दिखाई एंड इनके स्टॉक प्राइस में भी हमने वो ग्रोथ विटनेस करी। पर कंपनी के लिए प्रॉब्लम स्टार्ट हुई कोविड के बाद से। अब सबसे पहले 2020 के कोविड क्रैश के चलते कंपनी के लिए दो चीजें फेवरेबल हुई। अब जैसा हमें पता है कि कंपनी के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है रबर। अब 2020 में जब इंटरनेशनल मार्केट्स में कमोडिटीज के प्राइस गिरे तो उसके साथ ही रबर के प्राइसेस, जो कि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे $150 पर केजी चल रहे थे, वही फॉल होके $105 पर केजी हो गए। एंड इससे कंपनी को उनका रॉ मटेरियल सबसे ज्यादा सस्ते में मिलने लगा, जिसके चलते कंपनी के जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन थे वो काफी ज्यादा इंप्रूव हो गए एंड कंपनी में हमें एक शार्प रनअप देखने को मिला। अब इस रनअप के पीछे सेकंड मेजर रीजन ये भी था कि इस पूरे ही ड्यूरेशन के बीच में, क्योंकि लोग अपने घरों में बंद थे तो किसी भी तरह की जो फुटवेयर डिमांड्स थी वो तो एकदम जीरो थी, पर घरों में होने की वजह से जो नॉर्मल स्लीपर्स और चप्पल्स वगैरह की डिमांड्स थी वो काफी तेजी से इंप्रूव होने लगी, जिससे कंपनी की जो स्किल्स भी थी वो काफी ज्यादा इंप्रूव हुई। एंड इन्हीं दोनों कंडीशंस के चलते कंपनी के स्टॉक प्राइस में हमने काफी बड़ा रनअप देखा, जहां पर कंपनी ने नवंबर 2021 में अपना ऑल टाइम हाई टच किया, जो कि था अराउंड 1400 का। बट इसी ऑल टाइम हाई को टच करने के बाद नवंबर के मंथ से ही कंपनी का पहला डाउनफॉल शुरू हुआ, जहां पर गवर्नमेंट ने हमारे अचानक से एक नोटिस निकाला कि अब इंडिया में अपेरल और जो फुटवेयर का सेगमेंट है उनमें जहां पर पहले 5% जीएसटी लगा करता था, अब उस जीएसटी को बढ़ा के 12% कर दिया जाएगा। ये जीएसटी जनवरी 2022 से अप्लाई होना शुरू हो जाएगा। एंड इस पूरे ही न्यूज के बाद पहली बार हमने कंपनी के स्टॉक प्राइस में एक मेजर करेक्शन देखा। अब कंपनी का ये डाउनफॉल चल ही रहा था कि इसके बाद अगले ही साल यानी 2022 की स्टार्टिंग में ही हमें रशिया एंड यूक्रेन वॉर का केस देखने को मिला, जिसकी वजह से इंटरनेशनल मार्केट्स में क्रूड ऑयल के प्राइसेस वी ऑल नो कि काफी तेजी से इंक्रीज हुए, बिकॉज रशिया एक वन ऑफ द मेजर एक्सपोर्टर था क्रूड ऑयल का। अब भले ही इंडिया को क्रूड ऑयल बाकी बाद में सस्ता मिलने लगा रशिया से, पर इनिशियली इसका काफी बुरा इंपैक्ट पड़ा हमारी इकोनॉमी पे,
जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी में जो इन्फ्लेशन था वो काफी तेजी से इंक्रीज हुआ। अब इस इन्फ्लेशन के राइज की वजह से कंपनी के जो एंड प्रोडक्ट पे प्राइसिंग थी वो भी बढ़ गई, जिस वजह से कंपनी को ये प्राइसिंग उनके जो एंड प्रोडक्ट है उन पे ट्रांसफर करनी पड़ी। अब वी ऑल नो कि कंपनी का जो मास सेगमेंट है वो इनका एंट्री लेवल 130 140 रुपए की स्लीपर्स है, और ये जो स्लीपर्स बाय करते हैं और ये जो पूरा कंज्यूमर बेस है ये काफी ज्यादा प्राइस सेंसिटिव है। इसीलिए कंपनी ने जब भी अपने प्राइसेस बढ़ाए एंड कंज्यूमर के, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे उनकी जो सेल्स थी वो काफी ड्रास्टिकली ड्रॉप हुई। अब कंपनी के लिए ये इन्फ्लेशनरी सिचुएशन ईयर लॉन्ग कंटिन्यू रही, जिसके चलते कंपनी का स्टॉक प्राइस भी फॉल हुआ। बट 2022 के एंड में जब कंपनी का स्टॉक प्राइस थोड़ा स्टेबल हुआ एंड वहां से थोड़ा रिकवर करना शुरू हुआ, तभी मार्केट में एक और न्यूज आती है कि इनके वन ऑफ द बिगेस्ट इन्वेस्टर सौरभ मुखर्जी ने इस स्टॉक से कम्प्लीटली एग्जिट ले लिया है। एंड इस पूरी ही न्यूज के चलते मार्केट में काफी ज्यादा खराब सेंटीमेंट्स इमर्ज होते हैं, जिसके चलते कंपनी में जो पूरी फॉल चल रही थी वो फिर से और बड़े लेवल पर ट्रिगर हो जाती है। अब इसके बाद अभी अप्रैल के ही मंथ में कंपनी के जो प्रोमोटर्स हैं वो मीडिया में आके ये अनाउंसमेंट करते हैं कि कंपनी के लिए वर्स्ट ओवर हो चुका है और आने वाले टाइम में कंपनी के जो मार्जिन और सेल्स है वो इम्प्रूव होंगी, बिकॉज कंपनी के जो हाई कॉस्ट पे इन्वेंट्री स्टोर हो रखी थी वो लगभग सेल हो चुकी है। पर आगे चल के ऐसा हुआ नहीं, बिकॉज मार्केट में एक और न्यूज आती है जहां पर गवर्नमेंट ने एक नया अनाउंसमेंट किया कि इंडिया की जो फुटवेयर इंडस्ट्री है उसमें हर एक मैन्युफैक्चरर को एक पर्टिकुलर BIS स्टैंडर्ड के सर्टिफिकेशन के हिसाब से अपने फुटवेयर बनाने पड़ेंगे, जहां पर उन्होंने जो फुटवेयर वगैरह की सोल है वो एक पर्टिकुलर थिकनेस की बनानी पड़ेगी, और कोई भी मैन्युफैक्चरर BIS के सर्टिफिकेशन के बिना अपने फुटवेयर मार्केट में सेल नहीं कर पाएगा। अब इस पूरे अनाउंसमेंट के बाद गवर्नमेंट का तो इंटेंशन ये था कि इस अनाउंसमेंट के चलते जो एक चीपर कॉस्ट की जो फुटवेयर्स चाइना से प्रोड्यूस होकर आ रहे थे, जो कि कॉस्टिंग में भी काफी कम हुआ करते थे और क्वालिटी वाइज भी काफी खराब हुआ करते थे, इस पूरी अनाउंसमेंट के बाद वो खत्म हो जाएंगे। अब इस पूरी अनाउंसमेंट के चलते रिलैक्सो को फायदा तो होगा, बिकॉज वो चाइनीज प्लेयर्स और जो लोकल प्लेयर्स है उनसे मार्केट शेयर को एक्वायर करेगा। बट ये जो पूरी अनाउंसमेंट थी ये रिलैक्सो ऐसी बड़ी कंपनीज के लिए तुरंत एप्लीकेबल थी, बट जो छोटे मैन्युफैक्चरर और छोटी कंपनीज थी उनके लिए गवर्नमेंट ने 6 महीने का रिबेट दिया कि वो इन क्वालिटी स्टैंडर्ड को मेंटेन कर सके। और इसके चलते ये जो छोटे प्लेयर्स हैं इन्होंने कम कॉस्टिंग की स्लीपर्स और चप्पल काफी ज्यादा तेजी से डंप किए मार्केट में, जिससे इनकी जो चप्पल थी वो ज्यादा सेल होने लगी, और रिलैक्सो वगैरह की क्योंकि थोड़ी महंगी हो गई थी क्वालिटी स्टैंडर्ड की वजह से उनकी सेल्स ड्रॉप हो गई, जिसका हमें इम्पैक्ट रिलैक्सो के स्टॉक प्राइस है उसमें देखने को मिल रहा है। एंड इसी अनाउंसमेंट की वजह से कंपनी ने जो रिसेंट क्वार्टरली रिजल्ट पब्लिश करे इसमें हमने देखा कि कंपनी की जो सेल्स हैं वो भी ड्रॉप हुई, और बिकॉज कंपनी ने जो स्टैंडर्ड मेंटेन करना था BIS वाला उसके चलते कंपनी के जो एंड प्रोडक्ट की कॉस्टिंग थी वो बढ़ी, इससे कंपनी के जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन थे वो भी हैम्पर हुए, जिसका इम्पैक्ट हमें कंपनी के शेयर प्राइस में देखने को मिल रहा है। अब इस पूरे ही सिनेरियो के बाद एक आखिरी चीज जो इन्वेस्टर्स को अभी भी परेशान कर रही है वो है कंपनी की वैल्यूएशन, बिकॉज अगर आप कंपनी के करेंट पी रेशियो देखोगे तो 116 का है, और अगर आप कंपनी के मीडियम पी रेशियो को देखो तो वो 96 का है। अब इन्वेस्टर्स का ये कहना है कि इतने पॉइंट ऑफ टाइम पे जब कंपनी ने कोई भी रिटर्न्स नहीं दिए क्योंकि कंपनी के जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ड्रॉप हो रहे थे, इस वजह से अगर आप कंपनी के पी रेशियो के चार्ट को देखोगे हिस्टोरिकली तो वो लगातार बेस पे इंक्रीज हो रहा है, एंड अभी भी वैल्यूएशन वाइज कंपनी काफी ज्यादा हायर वैल्यूएशन पे है। इसके अलावा अगर आप कंपनी के पीयर कंपैरिजन को भी देखो तो कंपनी के दो बड़े कंपैरेटर जो कि मेट्रो ब्रांड और बाटा इंडिया है, उनके अगर आप पी रेशियो देखोगे तो उन दोनों के पी रेशियो इस कंपनी कंपैरिजन में कम है, वहीं पर इनके जो रिटर्न और कैपिटल एम्प्लॉयड है वो रिलैक्सो के कंपैरिजन में काफी ज्यादा बेटर परफॉर्म कर रही है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस कंपनी के जो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ है और कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ है उसमें भी काफी पुअरली कंपनी ने परफॉर्म किया है। बट इन सारी नेगेटिव चीजों के अलावा कुछ पॉजिटिव चीजें भी कंपनी के केस में हो रही है, जहां पर गवर्नमेंट ने जो 6 महीने का रिबेट इन छोटी कंपनीज को दिया था उस रिबेट का टाइम लगभग खत्म होने वाला है, जिसके बाद कई सारी छोटी कंपनीज और जो मार्केट में चाइना का चीप माल सेल हो रहा था वो मार्केट से इरोड हो जाएगा, जिसके चलते रिलैक्सो अपना मार्केट शेयर और भी ज्यादा तेजी से एक्वायर कर पाएगा। सेकंड चीज, मार्केट में जो प्रीमियम सेगमेंट के फुटवेयर है इनकी डिमांड्स भी काफी तेजी से इंक्रीज हो रही है, एंड रिलैक्सो ने ऑलरेडी इन प्रीमियम सेगमेंट के फुटवेयर में काम करना शुरू कर दिया है, जहां पर इनका प्लान है कि प्रीमियम सेगमेंट के अपने फुटवेयर जल्दी लॉन्च करने वाले हैं, और इस लेवल की कंपनी के लिए इन फुटवेयर को लॉन्च करके मार्केट में प्रेजेंस बनाना और डिस्ट्रीब्यूशन बनाना भी काफी ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। थर्डली, इसका इंपैक्ट आप कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी देख सकते हो, जहां पर कंपनी में रीसेंट के क्वार्टर में FIIs और DIIs ने अपनी होल्डिंग्स को बढ़ाया है, ये देखते हुए कंपनी के स्टॉक प्राइस लगातार फॉल हो रहा है। तो आपको क्या लगता है, क्या कंपनी का जो वर्स्ट है वो ओवर हो चुका है, और आने वाले टाइम में क्या कंपनी यहां से रिकवरी दिखाएगी या नहीं, कमेंट बॉक्स में बताइए। एंड प्लीज अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो अपने 2 मिनट देके वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को जरूर क्लिक कर दीजिएगा। सो वीडियो को एंड तक देने के लिए थैंक यू, हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।